हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय रुलखेन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के इस वक्त की अलग अलग बड़ी अपडेट आ रही हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के रिजल्ट के संबंध में, और कुछ कोर्सेज की यहाँ पर एग्ज़ाम स्कीम भी जारी की गई हैं। सारी लेटेस्ट न्यूज आपको वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आसानी से पहुंच सके। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि बिल्कुल आज की ताज़ा खबर है, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में 2400 छात्रों का जो रिजल्ट है वो अटक गया है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों अटका है, ठीक है। पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, आधे अधूरे अंक भेजने पर विश्वविद्यालय ने कई महाविद्यालयों के सभी छात्रों का जो परिणाम है वो रोक दिया है। यानी कि अगर किसी कॉलेज में 50 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो नहीं भेजे हैं, तो ऐसे में उन्हीं स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो रोक दिया गया है, ठीक है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट रोक दिया है जिनमें या तो एक भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर प्रैक्टिकल या फिर जो वाइवा होता है उसके मार्क्स से नहीं भेजे गए, या फिर कुछ ही स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं भेजे गए, तो उस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो रोका गया। ऐसी जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे BSc और MSc कृषि की जो परीक्षाएँ वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं। यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को परीक्षा कार्यक्रम जो है वो आपका जारी कर दिया है, और 17 मार्च तक आपकी जो परीक्षाएं होंगी ये चलने वाली हैं। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। बीकॉम प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के 9400 छात्रों का परिणाम तैयार किया गया था, जिसमें से आपको अभी ऊपर दिखाया इतने छात्रों का जो परिणाम है, 2400 छात्रों का जो रिजल्ट है वो रोका गया है। बार बार यूनिवर्सिटी ने चेतावनी के बाद भी कई महाविद्यालयों ने छात्रों के आंतरिक प्रयोगात्मक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के अंक नहीं भेजे। ऐसे में जब गुरुवार को इस यूनिवर्सिटी ने बीकॉम प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम जारी किया, तो लगभग 2400 छात्रों का जो रिजल्ट है वो अटक गया है। इनमें वे छात्र भी शामिल हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, लेकिन महाविद्यालयों ने कुछ छात्रों के अंक की वजह से उनके भी अंक नहीं भेजे। अब इन छात्रों का परिणाम महाविद्यालयों के द्वारा अंक भेजने के बाद ही वेबसाइट पर अपडेट होगा, और इसके बाद अगर बात करें विश्वविद्यालय जल्द ही BSc द्वितीय सेमेस्टर, जिसका आपको भी सभी से इंतजार है ना, ठीक है, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर BSc द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम जारी करेगा। इसके बाद BA द्वितीय सेमेस्टर का भी परिणाम जारी किया जाएगा। आपका जो रिज़ल्ट है वो इसी वीक में जारी कर दिए जाएंगे, सारे रिज़ल्ट जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, BSc और BA के। तो आप लोग हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा, ये एक बड़ी अपडेट आपके लिए। बहुत जल्दी आपके BA BSc के रिज़ल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। और इसमें अगर बात करें आपकी परीक्षाओं की स्कीम के बारे में, तो ये जो आपकी परीक्षाएं हैं ये 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, और BSc और MSc एग्रीकल्चर की मुख्य परीक्षा 2022 का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। और 15 फरवरी से सेकेंड मीटिंग में पूर्वाह्न 11 से अपराह्न 2 बजे के मध्य होंगी। जल्द ही विश्वविद्यालय के द्वारा आपके जो परीक्षा केंद्र हैं और छात्रों के जो एडमिट कार्ड हैं ये भी जारी कर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और सुधार परीक्षाओं मतलब इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं की फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। ये तो आपको कल ही यानी कि आज ही वीडियो बनाकर जानकारी दे दी गई थी कि आपकी इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं की जो डेट है बढ़ा दी गई। फिलहाल एक बार फिर से देख लीजिए, जिन स्टूडेंट्स ने अपना परीक्षा फॉर्म फिल नहीं किया है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म अगर वो फिल करना चाहते हैं, तो 5 फरवरी तक आप अपना जो फॉर्म है उसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।